गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज तो सबका ही ऑफ है, सभी घर पर है, हमारे घर पे भी हम चारों ही है अभी घर पे। मेरे साथ हुआ क्या, कल मैंने ब्लॉग में बताया था, कल फास्ट था। कल मेरी मतलब बॉडी की ना मतलब बैटरी एकदम डाउन हो रखी थी, आई डोंट नो व्हाई। सुबह 6 बजे के राउंड में मेरे पेट में दर्द होने लग गया। सो मुझे लग ही गया था एसिडिटी इशू हो रहा है, बिकॉज फास्टिंग में मतलब वो इतना नहीं खाते ना। जो मैंने ना पेंडी जो मम्मी की है थी ना एसिडिटी के लिए, तो मैंने वो खा लिया, उठी, एसिडिटी ठीक हो गया, बॉडी एक होना स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो व्हाई, मतलब जैसे फीवर के नहीं होते सिम्टम, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है हल्का हल्का टेम्परेचर भी हो, मे बी, आई डोंट नो, अभी चेक करती हूँ टेम्परेचर है कि नहीं है, बट पूरी बॉडी एक हो रहा है मुझे। मुझे नहीं, और ठंड ठंड सी लग रही है, इसी में भी ना ठंड लग रही है। फिर मैंने खेस निकलवाया, खेस ओढ़ा, और मतलब ऐसे ही दिन गया हुआ। सुबह जब से उठी हूँ ऐसे ही हो रहा है। अभी ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, उसके बाद मैंने कहा कुछ खा लेती हूँ, मतलब क्या वो उसकी टैबलेट खा लेती हूँ, इसकी फीवर की जो भी बॉडी एक हो रहा है वो खा लेती हूँ। एंड यूजली क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे या कोई भी अदर ऑफ रहते हैं तो उसमें पापा कुकिंग करते हैं। पापा को बहुत कुकिंग का शौक है। लास्ट ईयर भी आपने वीडियो देखा होगा जो रेगुलर देखते हैं हमें, कि पापा ने लास्ट ईयर भी इंडिपेंडेंस डे पे कुकिंग करी थी। मैंने सोचा अब मेरी शादी हुई ही रही है तो इस साल मैं पापा के लिए कुकिंग कर देती हूँ। पापा वैसे भी बोलते रहते हैं कि तू कुक कर, तू कुक कर। तो मैंने कहा चलो आज डिनर मेरी साइड से ही, अभी देखती हूँ क्या डिनर में बनाना है। बनना पनीर की डिश है, पनीर का मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, यूट्यूब से तो सारी रेसिपी आ ही जाती हैं, फिर वो बनाऊँगी। तो अभी बस ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। ब्रेकफास्ट में आज पापा सुबह सुबह ही ये आलू कचौड़ी ले आए हैं। तो पापा रात से ही बोल रहे थे कि सुबह सुबह तक हम लोग आलू कचौड़ी खाएंगे, तो अभी उठी हूँ तो आलू कचौड़ी आ भी गई है। पापा यहाँ पे ले आए थे सुबह सुबह ही, फ्लैग लेकर आए पापा। ये हमने खुद ही लगा दिया, मेरे को बता तो देते, कुछ नहीं बस बता देते, हेल्प करूँ। ये पापा इस साइड नहीं आएगा, रुको मैं बताती हूँ। अभी ऊपर काकू को ही बुलाने आई थी, सारी जगह ही बस पतंगे पतंगे ही हो रही है, गाने वाने बज रहे हैं। मेरे को तो पतंगों का इतना क्रेज है नहीं, सारे लोग बालकनी में आके पतंगे उड़ाने में लगे हुए हैं। सो यहाँ पे भी इस साइड भी देखिए, सारे के सारे ही उड़ा रहे हैं पतंगे। चलो सही है, हमें शौक नहीं तो लोगों को तो है, सही है। दोपहर के लिए मम्मी ने बनाए हैं ये मटर पुलाव बनाए हैं, दही कल की पड़ी हुई थी तो मैंने दही भी ले ली, उसमें चाट मसाला डाल के मतलब खा रही हूँ। मम्मी से ना मैं अभी यही बात कर रही थी कि सारी चीज़ें जल्दी से फाइनल करो, वेन्यू डिसाइड कर देते, बिकॉज हफ्ते रह गया है, एक हफ्ते में वेन्यू नहीं मिलने वाला भाई। अभी तो चलो फिर भी ऑफ सीजन है, अभी वेडिंग्स नहीं चल रही तो उसके बाद तो शुरू हो जाना है। आज जाके गाइस सब कुछ फाइनल हुआ है, तो मम्मी बताते हैं क्या क्या फाइनल हुआ है आज। पहले एक्चुअली पूरा नहीं पता चलता था कि छोटा करना है या बड़ा करना है, पहले था कम में करना है कि घर घर के बंदे, उनके घर के हमारे घर के, ये हो रहा था कि बस इसी में हो जाएगा। लेकिन अब जो आई है बात, वो कह रहे हैं कि नहीं तुम कर लो बड़ा। हाँ, बड़ा भी बहुत ज्यादा है, बड़ा नहीं कर रहे, 50 तक की गैदरिंग का कर रहे हैं जो उनके घर के बंदे हैं, जैसे बहने हो गई सब हो गई, हमारे इधर के हो गए, तो जैसे मेरी बहने हैं, मम्मी है, ये सब बस यही, हाँ इसी में 50 हो गए, क्योंकि घर घर के तो हो ही जाते हैं, सही में। तो यही बस कर रहे हैं, पहले था कि कम है, अब पूरा हो रहा है, तो हम बस शाम को जाते हैं, बुकिंग करके आते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ, आज बुकिंग करवा कर ही आते हैं मम्मी। हाँ, बुकिंग करवा के आते हैं, तो साथ ही हमने इसके लिए सोचा है कि हम रिंग भी एक्सचेंज करवा दें। हाँ। और भी जो सगन, वो सगन भी समझ लो, रोका भी, सब एक ही में कर रहे हैं। हाँ। चुन्नी भी पूजा को जो उन्होंने चढ़ानी होगी चढ़ा देंगे, जो कुछ करना है वो भी कर लेंगे, हम भी रिंग एक्सचेंज करवा देंगे, तो बस वो पूरा इनका एक ही फंक्शन है जो पूरा हो जाएगा यार। बाकी जो भी हमारे फंक्शंस रहेंगे इसके बाद नवंबर में ही आएंगे, नवंबर में सब कुछ आएगा। नवंबर की भी डेट अभी निकली है, जो वो निकली है, एक तो 6 निकली हुई है, एक निकली है 9th है ना मम्मी, और एक आ रही है 14th आ रही है, 27th अक्टूबर भी आ रहा है, बट हम शिरडी में है, 25 को हमारी टिकटें, 24 की है, 24 की हमारी टिकटें बुक है अक्टूबर की, तो उसमें तो आके एकदम से हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। एक तरीका है शायद, एक का है, एक का, जैसे हम 29 को आएंगे हमें पता है हमें करवा चौथ की तैयारी करनी है, वो करके हटेंगे, साथ 5 दिन में शादी का नहीं हो, नहीं हो पाएगा एकदम। बाकी भी डेट फाइनल करेंगे, 9 वाला भी हम इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि 12 तारीख को दिवाली, उस टाइम पे बहुत काम भी होते हैं। हाँ। तो उनका भी काम है इधर, इनका पूजा के पापा का भी काम होता है, तो वो मुश्किल हो जाती है कि सब काम छोड़ के पहले ये काम करना, जो भी डेट होगी फिर फाइनल, जो समझ आ रही हो दिवाली के बाद आ रही हो, बाकी देखियो जो निकलेगी वो तो, चाहे 6 की निकले तो करनी पड़ेगी फिर। हाँ।
तो बाकी जो हमें समझ आ रहा है कि हम दिवाली के बाद की करें, 14th का ही करें, बाकी जैसा होगा वो आपको पता चल जाएगा। 19 से दोबारा से सब कुछ दिखाएंगे, फिर पता चलेगा कि कौन सी डेट वो बताते हैं। उन्होंने तो बताई दी थी, चार डेट्स तो बताई थी उन्होंने, चार डेट्स बता दिए, बाकी कह रहे तुम लोगों के ऊपर है। सो जैसा भी होगा आपको हम दिखा देंगे। पार्टी हॉल का नेम तो नहीं बताएंगे अभी, सो थोड़ी प्राइवेसी भी रखनी होती है। और बाकी उसी दिन आपको पार्टी हॉल का नेम भी बता देंगे कि कैसे क्या है क्या नहीं हो रहा। और देखिए पूजा फोन पे भी सबसे बात कर रही है कि कुछ समझ आए कहाँ करना है। हाँ भाई, जैसे फोन नंबर तो इजीली आजकल निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बाहर ना इतने ज्यादा बम पटाखों की आवाजें आ रही है, मैंने कहा देखूं क्या हो रहा है। तो ये लैंटर्न्स होते हैं ना, एक तो ये वाला, ये रहा, यहाँ पे भी मैंने देखे थे, पता नहीं चले गए यहाँ वाले भी। ये देखिए छोटे छोटे से बज ही रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे किए रहा देखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए सारे के सारे। मैं जैसे ही कैमरा लेकर आई हूँ गायब हो गए सारे के सारे। कोई नहीं, एक वो रहा लैंटर्न वहाँ से जा रहे, बड़ी क्यूट से अच्छा लगते हैं। मम्मी, मैं, काकू और पापा, हम सब जा रहे हैं बैंकवेट की बुकिंग के लिए। एक्चुअली आप लोगों के सामने ही है, पहले 20th का हुआ, फिर 23rd का हुआ, फिर हम लोग सोच रहे थे कि मतलब घर घर के बंदों में करना है या पूरी फैमिली के साथ करना है। सो आज जाके सब कुछ डिसाइड हुआ और आज 15 हो गए, 23rd को फंक्शन है। एक वीक ही हो गया, आज ट्यूजडे तो है, एक वीक रह गया। हम लोग इतना ज़्यादा टेंशन में है, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा हो रखी हूँ। मैंने 2-3 जगह पार्टी हॉल्स का ना हमने, मतलब क्योंकि हमारी गैदरिंग अंडर 50 की ही है, सो पार्टी हॉल्स चाहिए, तो उसका मैंने देखा। तो आज करके मतलब मैंने 3-4 दिन से बात करी रखी थी, 2 जगह तो हो गई है बुकिंग वहाँ पे। जो मैंने आज वाला देखा उनका भी, जो बेसमेंट वाला था बहुत अच्छा था, वो भी बुक हो गया। ग्राउंड फ्लोर बचा हुआ है अभी, मैंने कहा आज जाके देख लेते हैं कैसे है, फटाफट बुक करा लेते हैं। हाँ, तो ये भी हाथ से चला जाएगा, फिर नया देखना पड़ेगा। वीडियोस वगैरह तो उनकी देखिए काफी अच्छी है, बाकी लाइव देखने पे ज्यादा पता चलता है सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है। फूड टेस्ट करेंगे जाके कि फूड टेस्ट, खाने का टेस्ट ही है कि नहीं है, मेन तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने कहा आज उनके यहाँ पे पार्टी चल भी रही है तो आज हम देखने का। अभी पता गाइस 9 बज रहे हैं और हम इस समय जा रहे हैं, बट कोई नहीं, आज वाला ये वाला काम हम कह रहे हैं बस हो जाए। हाँ, बस पसंद आ जाए जैसा है, बस हो जाए, बस सब कुछ सही। हाँ, बाकी आपको दिखाते हैं साथ साथ। एक ये वाला देखा है हमने, बेसमेंट पे देखा है, और ऊपर अभी हम देखने गए थे ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर पार्टी चल रही थी, वहां पे भी हमारे सब्सक्राइबर्स मिल गए, तो उन्होंने भी बताया है कि ये वाला बहुत अच्छा है। कौन सा आपको सही लगा पापा? ग्राउंड फ्लोर वाला, वो ग्राउंड फ्लोर वाला ही है। शुरू देख लेते हैं। हाँ, और बाकी जो सब्सक्राइबर मिले थे उनकी भी बर्थडे पार्टी चल रही है। हाँ, कह रहे बहुत अच्छा है, सर्विसेज भी अच्छी है, फूड भी अच्छा है। फूड अभी हम टेस्ट कर लेते हैं। सो ये पूरा वेन्यू है अभी, मतलब पक्का अभी फाइनल नहीं हुआ, बाकी देखते हैं जैसा भी होता है आपको अपडेट करते जाएंगे। फूड टेस्टिंग ही कर रहे थे, स्नैक्स आया था, मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। मैंने मम्मी से पूछ रही, मैंने कहा वीडियो बनाई कि नहीं बनाई, मम्मी कही तो खाने में ध्यान था, वीडियो नहीं बनाई। तो स्नैक्स तो नो डाउट बहुत टेस्टी था। तो अभी हमने ना डिनर के लिए भी, मतलब वैसे तो यहाँ पे 5 है, 5 मेन कोर्स में है, बट अभी हमने 2 ही चीज़ें मंगवाई है, ये दाल मखनी है और ये पनीर की सब्जी। हमने कहा एटलीस्ट ये ही 2 मेन होती है, टेस्ट हो जाना ये अच्छी है तो मतलब सब कुछ अच्छा है। और पापा तो वैसे ही, पापा को अगर पसंद आ गया ना मतलब अच्छा है। आप टेस्ट करके बताओ कैसा है, फिर आपकी अगर हाँ है तो बुक करते हैं, ठीक है? हैं, ठीक है। घर आते आते तो हमें 11:00 बजी गए, बिकॉज गए ही लेट थे, 9 बजे तो निकले ही थे। उसके बाद पहुंचता वहाँ पे एंड फूड टेस्टिंग वगैरह करनी, जो भी पेपर वर्क था, एडवांस पेमेंट करनी, तो आते आते तो 11 बजी गए। एंड वहाँ पे तो खाया तो हमने नो डाउट थोड़ा सा ही खाया था, बट आकर ऐसा हो रखा था, पता नहीं कुछ खाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो सबने क्या किया, दूध पी लिया, और मम्मी वैसे आलू मटर की सब्जी बना के गए थे, बट आलू मटर फिर हम लोगों ने खाए नहीं। आज सोचा हुआ था कि आज मैं बनाऊंगी पनीर बटर मसाला बनाऊंगी, बट वो भी रह गए, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे हम लोगों का प्लान बना कि आज हम लोग बैंक्वेट बुक कराते हैं। बिकॉज जैसे ही ना मैंने ना आज एक बैंक्वेट हॉल में पता किया ना, उन्होंने कहा कि हमारी रिजर्वेशन हो चुकी है। भाई मेरे को तो होगी टेंशन, मैंने कहा हमने 2-3 देख रखे थे, मैंने कहा ये ना दूसरी जगह भी रिजर्व हो जाए और हम लोग कहीं के ना रह जाए और कोई और फिर रिसर्च अपनी स्टार्ट करने की, यहाँ का देखे वहाँ का देखे, बड़ी टेंशन होती है। तो फिर टाइम हो ना तो टाइम के अकॉर्डिंग बंदा बहुत चीज़ें देख सकता है, बट जब टाइम ही ना हो, नेक्स्ट वीक ही क्या कहते हैं फंक्शन है, एंड अब भी एकदम से एक वीक में तो वही बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, तो मुझे होने लगी टेंशन। जैसे जैसे बस रात को ही निकले, हम निकल कन्फर्म करके आते हैं।
सो अभी बस जाती हूँ सोने के लिए। इसी के साथ आज वाला जो ब्लॉग है करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज वाला ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।